नगरा के हाट मैदान में कोच फैक्ट्री के निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों को वर्तमान सरकार को घेरने के लिए काफी है। मौके का फायदा उठाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ DRM ऑफिस पहुंच गए और फर्श पर लेट गए। कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ता उनसे भी भिड़ गए। तस्वीरें हैं झांसी के DRM कार्यालय की, जहाँ सरकार के खिलाफ एक कांग्रेसी मुद्दा ढूंढ कर लाए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री जी ने नगरा हाट मैदान पर बन रही कोच फैक्ट्री का विरोध किया है और इसी विरोध को लेकर वह DRM झांसी से मिलने गए थे, लेकिन व्यस्तता की बात कहकर कार्यकर्ताओं को DRM से मिलने से रोक दिया गया। पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता उग्र होकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। इसके बाद उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीका भी खोज लिया और नेताजी प्रशासन को कुंभकर्णीय नींद में बताकर अपने समर्थकों के साथ DRM कार्यालय परिसर के बाहर बने फर्श पर लेट गए और लेटे लेटे पत्रकारों को अपना उद्देश्य बताने लगे। दरअसल झांसी के नगरा हाट मैदान पर कोच फैक्ट्री बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके बाद रविवार के दिन लगने वाली हाट बंद हो जाएगी। पूर्व मंत्री का कहना है कि यहाँ गरीब लोग अपनी दुकानें लगाकर अपना भरण पोषण करते हैं। हाट बंद होने से उन्हें जीवन यापन में दिक्कत होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरते हुए कई और बातें भी कही। आज नगरा हाट के मैदान में 60 साल से जो लोग गरीब लोग दुकानें लगाते हैं उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। कोच फैक्ट्री बनना, तो पहले वाली कोच फैक्ट्री में आप नियुक्तियां दें, पहले वाली कोच फैक्ट्री के अंदर आप जो 250 बोगी की रिपेयरिंग हो सकती है वो रिपेयरिंग करें। और तब तो पहले आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम बोर्ड में इसको पहुंचाएंगे और हम लोगों ने इस आंदोलन को जब तक जारी रखेंगे जब तक इनको जगह नहीं मिले। न्यूज़ BK के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।